राज्य पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। राज्य सरकार की 2 वर्ष पूरे होने पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी, तभी नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर में वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस को सामने देख 2 बाइक सवार भाग निकले, जिससे जांच अभियान में लगे पुलिसकर्मी ने दौड़ाकर पकड़ लिया, जिसके इकबालिया बयान के आधार पर पुलिस ने 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 5 हाई स्पीड वाहन मिले। इनके बिग इकबालिया बयान के अनुसार यह लोग रांची के अलग अलग क्षेत्रों में वाहन की चोरी कर सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। हालांकि इस तरह के मामले का उद्भेदन कुछ दिन पहले भी रांची पुलिस ने किया। आपको बता दें कि रांची पुलिस इन लोगों से पूछताछ में जो जानकारियां हासिल की है उसके अनुसार यह लोग चोरी के वाहन TPC उग्रवादियों को भी देते थे। सूचनाएं मिली थी हम लोगों को कि कुछ लोग हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, तो अपना कंसील करने के लिए, अपने साक्ष को छुपाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि गाड़ियां जो भी चेकिंग होती है तो लोग रजिस्ट्रेशन कार्ड देखता है, उसमें मैनिपुलेट करके रखता है, बहुत माइनूटली वो लोग इंजन चेचिस के बारे में नहीं जान पाता है या चेक नहीं करता। चूँकि तिवारी जी हमारे पुराने पुलिस पदाधिकारी है, हर पहलू बिंदु को, चोर की हर भावना को समझते हैं और वो ये इतना ज़रूर जानते हैं कि किस जगह पर ये गलती करेगा, लोग कहाँ साक्ष को छुपाएगा। उस आधार पर इन्होंने इंजन चेचिस जब चेक किया तो पाया कि ये जो सो फेक है, ये गड़बड़ है, उसी आधार पर पकड़ लिया। ये दूर अंदेश पुलिस पदाधिकारी के काम है, हमको लगता है कि ये अभियान और आगे चले। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह का ये पूरा मामला है और क्या कुछ सफलताएं मिली है? झारखंड सरकार का कल ही 2 वर्ष सफल रूप से पूरा होने जा रहा है, इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सघन चेकिंग वगैरह हम लोगों ने करवाया था कि कोई अनसोशल एलिमेंट के इनफिल्ट्रेशन प्रोग्राम के समय में नहीं हो। इसी सिलसिले से रामपुर में चौक पे जब थाना प्रभारी स्वयं जब जांच कर रहे थे गाड़ियों का, मोटरसाइकिल दोपहिया चार पहिया वाहन का, तो उसी क्रम में बाइक पर सवार 2 व्यक्ति थाना को देख के, मतलब प्रभारी को देख के या पुलिस पार्टी को देख के भागने की कोशिश किए। हमारे नवयुवक पदाधिकारी लोग वहाँ भी उपलब्ध थे, सिपाही थे, उन्हें खदेड़ के पकड़ा गया तो 2 लोगों की गिरफ्तारी, चूँकि चेकिंग वहाँ चल रहा था और स्थानीय लोग भी वहाँ जमा हो गए थे ग्रामीण, थोड़ा सा सूरज गंजू की गिरफ्तारी हुई। उसने उनसे पूछताछ जब किया गया तो बताया कि ये जो मोटरसाइकिल है चोरी की है, जिसे हमें ग्राहक के पास ले जा रहा था फरोख्त करने के लिए, बेचने के लिए। थाना लाया गया विधिवत जब्ती के बाद तो इनके इकबालिया बयान के आधार पर 3 लोग और पकड़े गए हैं, अनिल कच्छप, बिरसा टूटी, अनिल लिंडा, जो सभी कहीं ना कहीं नामकुम थाना क्षेत्र के ही रहने वाले, और इनके निशानदेही पर हम लोगों ने 5 मोटरसाइकिल बिल्कुल नई हाई स्पीड गाड़ियां बरामद की गई। एक गाड़ी तो हम लोगों के यहाँ का है, नामकुम का ही है, लेकिन बाकी यार कई गाड़ियाँ जो हमको लगता है कि या तो रांची जिला का होगा या रांची जिला से अलग हट के दूसरे आसपास के जिलों से जरूर ये चोरी की गई। इस संदर्भ में हम लोग अलर्ट दे रहे हैं संबंधित थाना को। हमको ऐसा लगता है कि अभियान जो सीनियर एसपी महोदय के द्वारा जो शुरू किया गया था दोपहिया वाहन की चोरी चेकिंग के लिए, चोरी गई वाहन की बरामदगी के लिए, इसका ये चौथा ये पाँचवा खेप है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके पहले लापुंग हुआ था, बेरो हुआ, फिर हम क्या ठाकुर गाँव में हुआ था, बीच में रातू में हुआ था, ये नामकुम में इटसेल्फ ये थोक के रूप में ये बरामद हुए, चोर भी पकड़े गए हैं और प्लस गाड़ियां भी मिली। ये एक अच्छा पहल है हम लोगों का ग्रामीण क्षेत्र के नामकुम पुलिस का। इसमें और भी कुछ लोग इनके गैंग में हैं, और भी गाड़ियां मिलने की प्रबल संभावना है। हमको लगता है कि बहुत जल्दी सब बरामद हो जाएगा। ठीक है सर, काफ़ी नंबर भी चेंज किया जा रहा है, जो भी चोरी की गाड़ियां है वो नंबर प्लेट, पहला तो नंबर प्लेट इमीडिएट वो लोग चेंज कर देते हैं, चेंज करके दूसरा नंबर प्लेट लगा के और रलर से घूमते रहते हैं उसी में।